काफ़ी अवेयर हुए, इसमें अपने लोकल अथॉरिटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, जो भी उससे रिलेटेड संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के सभी अब सभी ने मिलकर एक मुहिम और अच्छे से इसको चलाते हैं, या उन्हें डांट भी देते हैं तो डांटने के बाद कम से कम उनको प्यार भी करें, उनसे पूछें। कई बार क्या होता है कि उन्होंने बच्चे को डांट दिया, छोटे छोटे रीजन होते हैं, बच्चा स्कूल नहीं गया, स्किप कर दिया, ट्यूशन नहीं गया, या शाम को दोस्तों के साथ खेलते हुए लेट हो गया, डांट दिया, तो बच्चे वहाँ से गुस्से में निकल आते हैं। ज़्यादातर कारण यही होते हैं। आपका एनजीओ किस हिसाब से मदद करता है फिर बच्चों की, उनको घर पहुंचाता है उनके घर, क्योंकि कई बार जैसे आपने खुद बताया कई बार घर से भागे हुए होते हैं बच्चे, ऐसे में जाहिर है कि जब घर से भागे हुए हैं तो शायद वो घर ना जाना चाहें, ऐसे में कैसे उनकी मदद हो पाती है? इसमें ऐसा है कि साथी का जो मेन काम है वो है बच्चों को फैमिली से रिलाइट करवाना। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि जो बच्चे की जो असली जगह है, अच्छी जगह है, वो परिवार के साथ, जो उसका फ्यूचर है सिक्योर रहेगा वो उसके परिवार के साथ ही फैमिली में रहेगा। तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चा फैमिली के पास है। और अगर क्या है, लास्ट डिसीजन होता है CWC, तो हम CWC को यही रिकमेंड करते हैं कि फैमिली आ गई है, फैमिली काउंसलिंग हो गई है और आप इनको फैमिली से रीयूनाइट कर दीजिए, हमारा सजेशन, बाकी निर्णय आपका है। तो CWC सपोर्ट करती है। कितना मुश्किल होता है रेलवे स्टेशन पर ऐसे बच्चों को खासकर समझना या फिर भांपना कि कम कहीं या तो बच्चा परेशान है या घर से भागा हुआ है या कुछ और समस्या है, कितना मुश्किल होता है? इसमें डिफिकल्टीज आती है क्योंकि हम जब स्टेशन पे बच्चे को रेस्क्यू करते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है, वो इतने घबराए हुए होते हैं कि बात होते नहीं है, ओपन होते ही नहीं है, फिर हमें मोटिवेट करना पड़ता है। डिफिकल्टी तो रहती है, बट डिफिकल्टी जब ज़्यादा रहती है जब किसी अननोन पर्सन के साथ रहती है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ट्रेन में मिलता है, बच्चे को मिलता है और वो उसे अपने स्वार्थ के लिए लेकर जा रहा होता है, अब वो दिल्ली में आकर उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, गॉड अलोन नोज। या उसके मन में जो, हम उसको ट्रैफिकर ही बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को वहाँ से लाएंगे और यहाँ फैक्ट्रीज में या किसी को बेच सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो फिर ऐसा है, हम जब बच्चों की स्कैनिंग करते हैं या बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं स्टेशन पे, तो हम ढूंढ लेते हैं कि ये बच्चा अकेला है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है बच्चों का काम करते हुए, हमारी आंखें सिर्फ उन्हीं को ही ढूंढती हैं और ज़्यादा इसमें। रोज़ में आप कितने बच्चों को कम से कम रेस्क्यू करा लेते हैं, अगर हम रोज़ की बात करें तो, जैसे पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो कितने महीनों को, कितने बच्चों को आपने रेस्क्यू करा? लास्ट मंथ की अगर बात करी जाए तो हमने 73 बच्चों को रेस्क्यू किया, 73 बच्चों को। और अगर अप्रैल की बात करा जाए तो 88। अच्छा, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे होते हैं, घर से भागे हुए होते हैं या फिर किसी का शिकार हुए बच्चे होते हैं, मतलब क्या लगता है इन 88? हाँ, इनकी पेरेंटिंग अच्छे से नहीं होती, वहाँ पर पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते या उन्हें डांट भी देते हैं, तो डांटने के बाद कम से कम उनको प्यार भी करें, उनसे पूछें। कई बार क्या होता है कि उन्होंने बच्चे को डांट दिया, छोटे छोटे रीजन होते हैं, बच्चा स्कूल नहीं गया, स्किप कर दिया, ट्यूशन नहीं गया, या शाम को दोस्तों के साथ खेलते हुए लेट हो गया, डांट दिया, तो बच्चे वहाँ से गुस्से में निकल